क्वेश्चन है, एक कोन है, इस कोन को ये इसका एक्सिस है, ये लो इसका एक्सिस है, और कोन को रोटेट कर रहे हैं विद ओमेगा, कोन को घुमा रहे हैं। फिर एक इंसेक्ट है, ये रहा इंसेक्ट, इस बार ऊपर चढ़ा हुआ इंसेक्ट, थोड़ा ज्यादा तेज घूम रहा है। तो इंसेक्ट किस रेडियस में घूम रहा है ये देख रहे हो, ये इंसेक्ट का घूमने का रेडियस है, तो इंसेक्ट साथ साथ ऐसे घूम रहा है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो इंसेक्ट है उसका इस वर्टेक्स के साथ हाइट एच है और ये एंगल थीटा गिवन है, एंगल थीटा गिवन है, बनाओ, मतलब इंसेक्ट एच हाइट पे घूम रहा है, सही। अब इसके अंदर जो डायग्राम बनेंगे उसको ध्यान से देखें, सबसे पहले इंसेक्ट का वेट बनेगा, बोलो कितना वेट, एम जी डाउनवर्ड्स, राइट। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, बोलो नॉर्मल रिएक्शन कहां बनेगा, टूवर्ड्स सेंटर नहीं बनेगा, वो सिर्फ हेमिस्फीयर और स्फीयर में बनेगा, क्योंकि तुम देखो ये तो स्ट्रेट है, इसका नॉर्मल ये रहा, इसका नॉर्मल ये रहा, सेंटर से जरूर पास करेगा। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री नहीं है, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा 90, नहीं जाएगा, वो सिर्फ स्फीयर और हेमिस्फीयर में जाएगा, कोन में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कोन में एक स्केल लो, चाहे एक स्केल से जहां जाता है जाने दो, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस ब्लैक लाइन होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बनाओ, एन हर में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा सेंटर की तरफ, सही। अब इसमें डायग्राम बनाते हैं, एक्सटेंड करते हैं ऐसे, ये देखो अगर ये एन है, मुझे एक चीज का आंसर दो इसमें, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी बोलो कितना है, थीटा। अगर ये थीटा, ये दो ग्रीन कलर की लाइन 90 डिग्री पे है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है इसके साथ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये स्टेप क्लियर है, ये थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा। तो n के कॉम्पोनेंट्स आएंगे, n cos थीटा और n sin थीटा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है कोन वाला, सेम प्रॉब्लम हो चला, n cos थीटा n sin थीटा। अब लास्ट में ये बता दो कितने रेडियस में ये इंसेक्ट घूम रहा है, स्मॉल r। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा किसके इक्वल है, स्मॉल r बाय h, तो स्मॉल r क्या है, h tan थीटा। तुम्हें क्वेश्चन में आर नहीं गिवन होगा, तुम्हें क्वेश्चन में एच गिवन होगा, तो टैन थीटा की वैल्यू एच आर बाई एच करके आर इक्वल टू एच टैन थीटा, ठीक। और इक्वेशन क्या बनेगी, एन साइन थीटा ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, ये लो, तो यहां पर बनेगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन कॉस थीटा कहां एक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स सेंटर, देख रहे हो एन कॉस थीटा टूवर्ड सेंटर, तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल। तो आर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं कितना, एच टैन थीटा, तो ये आपकी बन जाती है इक्वेशन नंबर टू। तो तुम एक काम करो, इसमें इक्वेशन नंबर वन एंड टू को डिवाइड कर दो, तो एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय एम एच tan थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो n से n क्या हो गया, कैंसल। क्या समझ में आ रहे हैं यहां तक, इन्हें डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड करके आपके पास ये टर्म आ गई। अब इस टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, tan थीटा, राइट हैंड साइड पे m से m कैंसल, तो g डिवाइडेड बाई h इंटू tan थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एच टैन स्क्वायर थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच टैन स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय टी स्क्वायर थीटा, तो टाइम पीरियड आएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एच टैन स्क्वायर थीटा बाय जी। वो तो चलो वो तो मैथ्स है, वो तो मैथ्स तो खुद ही लगाना पड़ेगा, मेन चीज इक्वेशन समझ में आ रही है कि किस केस में क्या इक्वेशन लगेंगी, ये बात समझ में आती है।